एक बार पुनः यहाँ जितने भी भक्त लोग बैठे हैं उन सभी के चरणों में नमन करता हूँ। और आज की रात बरेली की हनुमान शान जो कि एक महान हस्ती हमारे बीच में हैं, आदरणीय दादा बीके नादा जी, उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। नमन करता हूँ आज के मेरे बड़े भैया जो विपक्ष में प्रति भैया उनके चरणों में। और आज इस जवाबी कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने के लिए बड़े भैया हमारे संजय भैया केस रिजुक से जाए हुए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूँ। तो आइए चलते हैं माता रानी के दरबार में। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं करो, प्रथम में गणेश अंत में गणेश साधु और संत में गणेश ही गणेश धरा में गणेश और भट्ट में मंत्रों में ओम में गणेश ही गणेश ज्ञानी में गणेश और ध्यानी में गणेश मानी के मन बसे प्रीतम के मन गणेश ही गणेश सुख में गणेश और लाभ में गणेश रिद्धि और सिद्धि के संग में गणेश है। क्योंकि हमारे भैया प्रदीप भैया का एक आदेश है कि बहुत जल्दी से कार्यक्रम स्टार्ट करो, काफी समय हो चुका है, तो ज्यादा बात को ना मनाते कहते हुए बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कहना है कि मन की तरंगितों से हर कितार बीना की खन के लिए भर दो स्वर साधि 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 ना करे इस बेसुरे को स्वर दो मां बैराग रागिनी क्या जानू ले आज समर्पित कर दो तेरी शरण में आन पड़ा इस पागल ज्ञानी को अंकित वर दो मां भक्त आया माता रानी के दरबार में और जब आया और देखा कि हाँ वहां माई का दरबार लगा है। जब आया तो भक्त ने क्या देखा, जैसे कि एक नियम है जवाबी में एक नियम है कोई भी गीत गाओ या वंदना गाओ तो तर्ज वैसे बताई नहीं जाती भैया, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा नियम कर दिया है और कोई कलाकार इस काबिल नहीं कि बगैर तर्ज के कोई गीत गा सके, खास करके जवाबी में। गाना फिल्मी दुनिया वालों ने गाया कौन सा भैया कि मुझको मेरे बात दिल का जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो
सो दिल का दिल का दिल का दिल का दिल का सुना था चाकरी करते मां तब कहना पड़ा सबकी साधना का मैया
छैया में मैया नैया पार लगाती हो रूप स्वरूप अनेको तेरे मानो रूप में आती हो मैं तेरे दरबार में आया तो गोद में तेरी गोकुल बरसाना मिल गया अरे मुझको 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 तेरे हेमा मेरी वंदना वंदना हो माँ जब तक तन में सांस है माँ प्रदीप भैया मैं और हमारे प्रदीप भैया हम लोग की तमन्ना है जब भी हमारे प्राण निकले तो इस माता रानी के दरबार में निकले सब गुणगान करते हुए निकले मेरी वंदना वंदना हो पाए तेरा ही गुणगाऊं मैं तेरा ही लेकर मैया प्रेम का पुष्प और जब मैं दरबार में आया माँ तो मैंने क्या देखा क्या देखा ज्ञानी अपना कोई मुझको 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 तेरे खुशियों के साथ
अरे मुझको 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 हर मुझको तेरे पास सुख जाना बोलिए सच्चे दरबार की सभी स्वीकार करें कामना सभी से आशीर्वाद की है जितनी भी देवी देवता यहाँ विराजमान है उन सभी के श्री पावन चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ आदरणीय मेरे गुरुजी व मेरे माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम है जिन्होंने जन्म दिया जिन्होंने ज्ञान दिया उनके श्री चरणों में नमन कर रहा हूँ उनसे भी कामना आशीर्वाद की भगवान श्री गणेश माँ सरस्वती को प्रणाम उनको नमन कर रहा हूँ सभी से कामना आशीर्वाद की है वह हवाओं में बिछड़ने वाले सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम है और आज की भैया श्री ज्ञानी भैया जिनको भी आपने सुना बड़ा सुंदर कार्यक्रम भैया जी की ओर से उनको भी मेरा प्रणाम व उनके सभी सक्षम कलाकारों को मेरा नमन है प्रणाम है जो भी दूर दराज से आए हैं जो बरेली से हैं सभी को प्रणाम कर रहा हूँ सभी का स्वागत है और भैया मेरे साउंड वाले भैया महेंद्र भाई को मेरा प्रणाम है क्योंकि बड़ा ही सुंदर साउंड सर्विस भैया जी का है साथ ही साथ हमारे संजय राठौर जी भैया को प्रणाम जिनके द्वारा आप इस कार्यक्रम को सुनेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर और जब भी सुने तो सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें कमेंट्स करें जरूरी है खोलो भैया खोलो खोलो क्या माइक तो खुला हुआ है हेलो हेलो भैया आवाज बढ़ा दो हेलो हे वज्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सप्तप्रभा निर्विघ्न मत कुर्मी देव सर्वकारी सुसर्वदा तो वीणा वीणेश्वरी वीणा के वीणा वीणेश्वरी वीणा के तार तार मधुर तुम बजैया हो बजैया हो हंस पे सवार माँ कर में कमल पुष्प कमल नयनी कमलेश्वरी तुम ही दो कंठैया हो तो कर से भक्तों के कष्ट कोटि कोटि हरती हो माँ मधुर कंठ विद्या और सरगम की दिव्या हो कहना है माँ से कि सभा मध्य आवाज आज तुमको आना पड़ेगा क्योंकि आपने हमेशा लाज रखी हम भक्तों की जब जब ने तुमको याद किया कि माँ आप आए हम बच्चों पर कृपा करें हम जैसे भी हैं तेरे बच्चे तेरे संतान हैं जैसे भी हैं बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा कोई भूल हो जाए तो उस भूल को क्षमा कर दे हमको ना भूल जाए माँ हमें अपनी चरणों से लगाए रखिएगा क्योंकि जैसा भी हूँ तेरा बच्चा हूँ इसलिए सभा मध्य आवाज रखना मेरी लाज क्योंकि आज लाज प्रदीप प्रकाश की तुम ही तुमा बचैया हो तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरुण रखवर विमल जश जो दायक फल चार तो बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार पल बुद्धि विद्या देव मुगे और हरहु कलेश पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप
राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप यादि सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण दया रूपेण क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते ओम चिंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते प्रथम शैल पुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रहृदय कुष्मांडे चतुर्थकम पंचमम स्कंद माता षष्ठम कात्यायनी चा सप्तम काल रात्रि महागौरी चाष्टकम हे नवम सिद्धात्री चन्नव दुर्गा प्रकृतिता जय ग्यारह माई शेरावली का भोर सच्ची दरबार की शीघ्रता से वंदना तो मैंने कर ही ली है वंदना की है पर जैसा कि नियम जागरण का है जवाबी का है लोग कहते हैं कि कुछ गीत ऐसे होते हैं जो अपने आप में वंदना होते हैं लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को भैया अगर वो वंदना होते तो उन्हीं को गा दिया जाए इसलिए कह रहा क्षमा करिए वंदना वंदना होती गीत गीत होता है तो बड़ा प्यारा एक गीत भैया ने फिर बताया बहुत अच्छा लगा ऐसी मेरी एक बात आपको सुना रहा हूँ छोटी सी अच्छी लगी बड़ी प्यारी सी वंदना सुना रहा हूं निवेदन है जो मेरी माता बहने बैठी हैं वंदना पर ध्यान दीजिए बल्कि ध्यान तो वंदना पे दीजिए जरूर लेकिन साथ में कहना यह कि वंदना कीजिए और ऐसी वंदना जो कवि हो वंदना कैसे मां बच्चों की जा होती है और वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है ये फिल्म वाले गाना गा रहे थे कि वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है लेकिन श्रीमान मेरा माँ से कहना ये है कि हे सरस्वती माता मुझको आवाहन नहीं आता मुझको विसर्जन नहीं आता मुझको पूजन करना भी नहीं आता जैसा जो बन जाए उसे आप स्वीकार कर लीजिएगा बस जैसा बन पड़े और मेरे बड़े भैया आदरणीय श्री प्रदीप गुप्ता जी मेरे नामा राशि इनकी ओर से सुगंधित फूलों का हार साथ में ये 20 रुपए का पुरस्कार दिया है आपने भगवती आपके परिवार में सुख संपत्ति बरसाए रखे कारोबार बरकत दी बस ये मेरी माँ से विनती है इसलिए मेरा माँ से कहना कि माँ ना मेरे अंदर कोई कला है और ना ही कोई अनुभव है मैं अनुभवहीन हूं लेकिन तेरी शक्ति तेरी भक्ति से मुझको मतलब है प्रदीप भैया
जानता तो मैं कुछ नहीं, पर इतना जानता हूँ तेरी शक्ति और तेरी भक्ति से मुझको मतलब है, और इसीलिए तेरी प्रधानी हो गुणों में स्यानी हो, और माँ स्वरों की रानी हो, स्वरों की रानी हो, हो अपने पास आलो भाई की अरदास है 21 रुपया और माता पिता अपन लड़के की अरदास, ये सुभाष की अरदास, ये विनीता सागर की अरदास और साथ में विभाष बाबू की अरदास 51 रुपए, सुमित भाई की अरदास आपने 51 रुपए की अरदास कराई है। एक निवेदन और हाथ जोड़ करके करूंगा कि पर्चा जब भी लिखा करें तो उसको शुद्ध करके लिख लिया करें ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो, कभी नाम गलत बोला जाए तो भी अच्छा लगता नहीं। अब इसमें कुछ थोड़ा डिफेक्ट तो है, मैंने पढ़ तो दिया अपने से, छोड़िए थोड़ी देखना कहना है सबसे अनोखा और ये मेरा कहना नहीं सबका कहना होता है, हर कलाकार ही कहता है कि सबसे अनोखा माँ स्वर, भी अपनी अपनी बात सब रखनी तो मैं भी बात रख रहा हूँ कि माँ सबसे अनोखा माँ स्वर दे दो, सब रागों को अनुरागों का मुझको पावर दे दो, हे माँ सब रागों का अनुरागों का मुझको पावर दे दो, क्योंकि इतनी मेहरबानी हो, इतनी मेहरबानी हो, ना किसी को हानि हो और ना गाने में परेशानी हो, हो बच्चे भैया कितना भी तुम कुछ कर ले कुछ नहीं कर सकते, खाली मैं थाम के बैठ सकते हो एक मूर्ति की तरह। चलिए क्या कहें आपसे, हम तो खुद परेशान जिंदगी से, क्या नहीं भैया वास्तव में बहुत दुखी कर दिया इस कलाकार का। तेजाब से करारे करवाए क्या करवाए, यही तरीका बचा निर्भय मेरा माँ जिगर ये कर दो, निर्भय मेरा माँ जिगर ये कर दो, कुछ सीख दे के आशीष दे के मुझको निडर माँ कर दो, कुछ सीख दे के और आशीष दे के मुझको निडर मात कर दो, क्योंकि सामने जो मेरे प्रतिद्वंदी कलाकार हैं बहुत ही सख्त कलाकार है, बहुत ही जबरदस्त कलाकार है, वास्तव में इसमें कोई दोराय नहीं प्रदीप भाई, क्योंकि मैं जिसको बताऊंगा आपके लिए वो अच्छा ही होगा, कि आप मुझसे पूछते कि भैया बताओ तो ऐसी कलाकार को बताऊंगा जो अच्छा गाने वाला हो, जो मुझसे भारी पड़ता हो।
तो ऐसे हमारे ज्ञानी भैया हैं, इसलिए सीसीए ज्ञानी हो याद सब जुबानी हो ना कुछ नादानी हो तो हो